हमने आपको बताया कि एवरग्रीन में आप सिर्फ 450 रुपये लगा के नॉन वर्किंग 2 लाख रुपए कैसे कमा सकते हो, इसके लिए पूरी वीडियो में हमने आपको बताया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी, ऊपर आई बटन में जाके वो वीडियो देख लीजिएगा कि किस प्रकार से आपको 6 किस्तों में जो है 2 लाख रुपया आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, आपको ले चलते हैं आपके जो ट्रस्ट वॉलेट है उसके ऊपर। हाँ, BNB लेने के लिए आपको अपना ट्रस्ट वॉलेट जो है वो ओपन करना है। आपके ऑप्शन रहता है BNB, स्मार्ट चेन या USDT। अगर यहाँ पे नहीं है तो यहाँ ऊपर दो लाइन पे यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने BNB को फर्स्ट में ऑन कर लेना है और फिर USDT को ऑन कर लेना है। BNB जैसे आप ऑन करेंगे तो आपको ऑन हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे BNB मंगवाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ BNB पे और क्लिक करना है। BNB पे क्लिक करेंगे, यहाँ रिसीविंग एड्रेस है, इस रिसीविंग एड्रेस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे नीचे यहाँ कॉपी का ऑप्शन होता है, आपने यहाँ पे कॉपी करना है। इस एड्रेस को कॉपी करके आपने अपने प्लान को जहाँ से भी अपने BNB मंगवाना है उसको सेंड करना होता है, वो आपके इस एड्रेस पे BNB भेज देगा। उसके बाद आपका जो भी BNB होगा यहाँ पे आपको शो करने लग जाएगा। फिर आप उसके बाद क्या करना है, आपने जो आपको अपने अपने आपके अपलाइन ने जो भी आपको एड्रेस भेजा है उसको आपने कॉपी करना है। इसको यहाँ पे क्लिक करना है ब्राउज़र पे। उसके बाद जो एड्रेस है यहाँ पे आपको जो आपका रेफरल लिंक रहेगा आपके अपलाइन का, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। उसको आपको करना है, यहाँ पे आपने वो पेस्ट कर देना है लिंक जो आपको आपके अपलाइन ने भेजा होगा। फिर आपका यहाँ पे आपने देखा ये लास्ट में यहाँ पे 7 है, यहाँ 7 पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका ना यहाँ पे कीबोर्ड आ चुका है, जो भी आपके फ़ोन का कीबोर्ड है यहाँ पे आ जाएगा। जैसे आप टच करेंगे तो आपका कीबोर्ड यहाँ पे डन होगा या फिर आपके एक क्लिक का निशान लगा हो, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये ऑप्शन जो है वो खुल जाएगा। ये ऑप्शन खुलने के बाद आपका क्या होगा कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका ईथर का निशान बना हुआ है, आपने इसको बाइनेंस का निशान चेंज कर लेना है। यहाँ पे बाइनेंस BNB स्मार्ट चेन है, यहाँ पे आपने कर लेना स्मार्ट चेन। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ रजिस्टर पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर पे यहाँ क्लिक करेंगे तो आगे का प्रोसेस जो है आगे आ जाएगा। रजिस्टर पे क्लिक करते ही आपका इस प्रकार का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खुल जाएगा। तो आपने पहले क्या करना है, यहाँ फीस बहुत ज़्यादा लिखी रहती है तो आपने यहाँ सेटिंग पे क्लिक करना है। आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका 45 लिखा है, इसको आपने कम करके जो है 5 कर लेना है, तो आपकी फ़ीस बहुत कम लगी। सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी आपका अप्रूवल, हमारा यहाँ पे अमाउंट कम है तो यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे 5 का निशान, ओके, यहाँ पे आपकी फ़ीस बहुत कम हो जाएगी, $1 के करीब होगी, इससे भी कम लगेगी। तो आपने यहाँ अप्रूवल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्रूवल के क्लिक करेंगे तो आपकी आईडी जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपकी आईडी जो है इस प्रकार से खुल जाएगी, इस प्रकार के आपके आईडी जो है वो खुल के आपके आईडी इस प्रकार से खुल जाएगी। तो ये आपका आईडी का नंबर है, इससे आप पता कर सकते हैं कि अब तक कंपनी में कितनी आईडियाँ जो है ये एवरग्रीन में लग चुकी हैं, ये आपका रहता है। यहाँ पर आगे आपको रेफरल लिंक कॉपी करना होता है आगे किसी को बताने के लिए, तो आप यहाँ पे बिल्कुल यहाँ स्क्रॉल करते नीचे लेके आएंगे। यहाँ पर देखिए आपका एफिलिएटेड लिंक लिखा हुआ है, इस पर आप यहाँ पर क्लिक टू कॉपी करेंगे तो यहाँ आपका कॉपी हो जाएगा। ओके करेंगे तो यहाँ पे आपका लिंक जो है कॉपी हो जाएगा, इसको आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप जो है अपनी आईडी जो है इसमें आपका जो पहले सबसे पहले काम आपको क्या करना है एवरग्रीन में आईडी एक्टिवेशन करने के लिए, सबसे पहले आपको ट्रस्ट वॉलेट में अपना अकाउंट जो है वो ओपन कर लेना है। तो उसके लिए YouTube पे वीडियो मिल जाएगी ट्रस्ट वॉलेट में अकाउंट कैसे भरना, उसका आगे का प्रोसेस जो एवरग्रीन में आपको आईडी एक्टिवेशन करना है वो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो रेफरल लिंक आपका कॉपी हो चुका, आप किसी को भी उसको जो है शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे जाके, फेसबुक पे जाके, जैसे आपका दिल करे वहाँ, क्योंकि आगे का इसका जो प्रोसेस है ये रेफरल लिंक से डायरेक्ट आईडी नहीं लगती है, इसको आप रेफरल लिंक जो है यहाँ ब्राउज़र
आपका जो ट्रस्ट वॉलेट के ब्राउज़र में ले जाके कॉपी करके पेस्ट करना पड़ता है। उसके बाद ही आपका पहले सबसे पहले आपके पास BNB होना चाहिए आपके ट्रस्ट वॉलेट में। उसके बाद जैसे आपकी आईडी यहां पे लगती है तो साथ की साथ ही आपकी आईडी जो है एक्टिवेशन हो जाती है, साथ की साथ ही आपकी आईडी जो है लग जाती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपने पूरी तरह से सीख लिया होगा कि BNB जो अपना ये एवरग्रीन है इसमें हम आईडी किस प्रकार से अपनी आईडी जो है एक्टिवेशन कर सकते हैं और BNB किस प्रकार से अपने अपलायंस से या किसी से मंगवा सकते हैं।